गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास सेवन्थ हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलते हैं जियोग्राफी की तरफ। जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन जो है वो हम रीड करेंगे आज। तो आप अपने सबसे पहले अपनी बुक ओपन कीजिए। जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पेज नंबर 66 ओपन कीजिए। अपनी पेंसिल, अपनी रफ कॉपी, अपनी बुक ओपन करके रखिए। जो चीज़ समझ नहीं आती है उसे अंडरलाइन कीजिए। तो हम जियोग्राफी के फर्स्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को रीड करेंगे। तो आप लोग रीड करें साथ में और समझें उसे अच्छे से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 66। एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, चैप्टर वन जियोग्राफी का कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हम स्टार्ट करते हैं आज। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मींस होता है अवयव, घटक। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मींस होता है पर्यावरण, जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। ये प्रकृति जो हमारे चारों ओर फैली हुई है इसे हम पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। तो हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के अवयव। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे हम। इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटकों की आपस में निर्भरता, परस्पर निर्भरता, एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं पर्यावरण के घटक। स्फीयर ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के क्षेत्र, स्फीयर में होता है क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानव पर्यावरण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट। सबसे पहला जो बिंदु है हमारा दे रखा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मींस होता है पर्यावरण। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मींस होता है सौर मंडल। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। प्लैनेट्स मींस ग्रह, 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह हैं। विच आर कंस्टेंटली एंड कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और वो जो 8 ग्रह हैं वो लगातार, निरंतर, कंटिन्यूसली मतलब निरंतर, लगातार जो है रिवॉल्विंग, घूमते हैं अराउंड द सन, सन के चारों ओर घूमते हैं। अर्थ इज वन ऑफ द यूनिक प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अर्थ, पृथ्वी, यूनिक, यूनिक मीन्स अद्वितीय, प्लैनेट्स ग्रह, अद्वितीय ग्रह है जो हमारे सौर मंडल में उपस्थित है। इन द सेंस दैट इज हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। और यहां पर हमें जो है जीवन को सपोर्ट करने वाली, जीवन को सपोर्ट करने वाला सिस्टम जो है वो मौजूद है। दैट इज ऑक्सीजन एंड वाटर। और वो क्या है? ऑक्सीजन गैस और वाटर। क्योंकि ऑक्सीजन हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, एंड वाटर आपको पता ही है कि हम पानी के बिना और ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। इट इज आल्सो कॉल्ड, पृथ्वी को जो है वो ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। बिकॉज, क्योंकि 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। क्योंकि यहाँ का जो 71% हिस्सा है जो पानी से ढका हुआ है। कैसे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। कवर्ड मींस ढका हुआ है। व्हेन वी सी इट फ्रॉम स्पेस, और जब हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं, इट अपीयर्स ब्लू, तो यह हमें नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारा, हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। इसे, इसीलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। इट इज सिचुएटेड एट ए सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हमारी जो पृथ्वी है सिचुएटेड मतलब स्थित है, सुटेबल डिस्टेंस एक उपयुक्त दूरी पर स्थित है फ्रॉम द सन, सन से, सूर्य से। ड्यू टू विच इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, इसीलिए यहां पर ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा ठंड है। इट्स एनवायरनमेंट कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमारा इसका जो पर्यावरण है वो सभी को रखता है, शामिल रखता है। कंटेन मतलब शामिल रखता है। किसको? एनिमल्स, पशु पक्षियों को, जानवरों को, प्लांट्स, पौधों को, इंसेक्ट, कीड़ों को, एटीसी। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवायरनमेंट इज ए सराउंडिंग्स।
हमारी डिक्शनरी में एनवायरनमेंट का, शब्दकोश में एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का जो मीन्स है, शब्दार्थ है, वो है सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास जो भी मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। एक्सटर्नल कंडीशन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ पीपल। एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी, कंडीशन मतलब परिस्थिति, इन्फ्लुएंसिंग मीन्स प्रभावित करती है किसको, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ पीपल, लोगों की जो ग्रोथ है उसे भी प्रभावित करती है और जो डेवलपमेंट विकास है उसे भी प्रभावित करती है। एनिमल्स और प्लांट्स की जो ग्रोथ है, जो विकास है, उनको प्रभावित करती है। द टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू द वेरियस फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, ईटीसी। जो एनवायरनमेंट की परिभाषा है, टर्म मीन्स परिभाषा, ली गई है वेरियस फिजिकल कंपोनेंट्स, प्राकृतिक, बहुत सारी अलग अलग प्राकृतिक घटकों से ली गई है, जैसे कि एयर, हवा, वाटर, पानी, लैंड, भूमि, इटीसी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ये जो है सभी लिविंग बींग्स, मतलब जो भी प्राणी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स इट हैज बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। लास्ट फ्यू डिकेड्स, डिकेड्स मीन्स होता है दशक, कुछ शताब्दियों से फेसिंग प्रॉब्लम्स, हमारा जो पर्यावरण है वो प्रॉब्लम्स मतलब कि समस्या का सामना कर रहा है ह्यूमन इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि इस पर्यावरण में जो है वो मानव का इंटरफेयर बढ़ता जा रहा है, उसकी दखलअंदाजी बढ़ती जा रही है। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी। हमें नेसेसरी, आवश्यकता है मेंटेन मतलब व्यवस्थित रखने के लिए किसको, हमारे पर्यावरण की क्वालिटी, उसके गुणों को और क्वांटिटी मात्रा को। बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट अपॉन इट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि हमारी जो जीवित प्राणी हैं, लिविंग बींग्स हैं, जो जीवित प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वो सभी निर्भर करते हैं हमारी प्रकृति पर, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोजिशन मींस होता है रचना, एनवायरनमेंट पर्यावरण की रचना, कंपोजिशन मींस रचना, पर्यावरण की रचना। द टर्म एनवायरनमेंट इज ए सम टोटल ऑफ ऑल दी सराउंडिंग्स, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल मींस होता है भौतिक और बायोलॉजिकल मींस होता है जैविक। इनसे मिलकर हमारा पर्यावरण की परिभाषा दी गई है कि फिजिकल और बायोलॉजिकल, भौतिक और जैविक चीजों से मिलकर, पर्यावरण के आसपास के सारे घटकों से मिलकर जो रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इट इनकंपासेस द फिजिकल आर नॉन लिविंग एंड बायोलॉजिकल आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। इसके अंतर्गत जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स आती है, निर्जीव चीजें आती हैं, और बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स भी आती हैं, लिविंग घटक। अब नॉन लिविंग्स में क्या आता है, हवा, पानी, पर्वत, ये सब जो आते हैं नॉन लिविंग्स में आते हैं। लिविंग्स में क्या आते हैं, पशु पक्षी, प्लांट्स, पौधे, जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, ये सब लिविंग थिंग्स में आते हैं। ओके, अब बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड सॉइल। नॉन लिविंग थिंग्स में जो चीजें आती हैं वो है सॉइल, मिट्टी, वाटर, पानी एंड एयर, हवा, विच टेंड टू मेक अप द लिथोस्फियर, जो स्थलमंडल का निर्माण करते हैं। लिथोस्फियर मींस होता है स्थलमंडल का निर्माण करते हैं, हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फियर रिस्पेक्टिवली, और जलमंडल का भी निर्माण करते हैं और वायुमंडल का भी निर्माण करते हैं। लिथोस्फियर स्थलमंडल कहते हैं जिसमें भूमि आती है, हाइड्रोस्फियर उसमें जलमंडल होता है मतलब उसमें जल में रहने वाले जीव जंतु और सभी चीजें आती है, एटमोस्फियर वायुमंडल, वायु जितनी गैसें हैं वो सभी आती हैं। वेयर एज बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल द लाइफ फॉर्म प्रेजेंट इन ऑल द स्फीयर्स, वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स में, बायोटिक कंपोनेंट्स में, लिविंग घटक में, जो जीवित घटक हैं उनमें क्या आते हैं, प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, पशु पक्षी एंड ह्यूमन बींग्स, प्राणी,
आते हैं। द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कीप ऑन इंटरएक्टिंग विद ईच अदर। अबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग और लिविंग जीव जंतु हैं जो वो परस्पर निर्भर करते हैं एक दूसरे पर। द इंटरेक्शन लीड्स टू द चेंज ऑन द अर्थ, और इनका जो परस्पर निर्भरता है इंटरेक्शन है वो पृथ्वी की जो लीड्स हैं उसे चेंज रखते हैं, उसमें अंतर करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स और जो जीवित कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसीज, प्लांट्स और एनिमल्स, पौधे और पशु पक्षी आर डिपेंडेंस अपॉन द बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये अधिकतर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पर, जैसे कि लैंड, सॉइल और एयर पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड। प्लांट्स जो है, पौधे जो हैं, उनको जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की एंड सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की, मेक देयर फूड, अपना भोजन बनाने के लिए। लाइकवाइज वैसे ही ह्यूमन बींग्स आल्सो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, वैसे ही प्राणियों को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, वाटर की, पानी की, सॉइल की, मिट्टी की, फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट्स की ऑफ एनवायरमेंट। इंटरडिपेंडेंस मीन्स होता है पारस्परिक निर्भरता, कंपोनेंट्स मीन्स घटक, एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण, पर्यावरण के घटकों की पारस्परिक निर्भरता, आपस में वो किस तरह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फिजिकल एनवायरमेंट एंड द बायोलॉजिकल एनवायरमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, परस्पर निर्भर होते हैं। These two components of the environment are inseparable altogether. These two components, ये जो दो घटक हैं यह एक दूसरे को अविभाज्य करते हैं, कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते इनको, ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। They cannot be separated altogether. यह बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। Besides being interlinked very much, जो बहुत ज्यादा आपस में जुड़े रहते हैं। These two components are interacting all the time, और ये दोनों जो घटक हैं ये आपस में full time हमेशा जुड़े रहते हैं आपस में। A change any one of the components being change in the other, जब भी एक घटक चेंज होता है उसमें जब भी कोई परिवर्तन होता है तो दूसरा अपने आप परिवर्तित हो जाता है। For instance, natural climates such as floods change the scenario of agriculture field. जैसे ही एक घटक, जैसे कि हम example लेते हैं कि जैसे ही बाढ़ आती है तो जो दूसरा घटक है जैविक घटक, जैसे कि agriculture field, खेती, तो वो पूरी प्रभावित होती है। However, the physical environment and the biological environment are not static. फिजिकल और बायोलॉजिकल, जैविक और भौतिक जो पर्यावरण है वो एक जैसे कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। स्टैटिक मीन्स स्थिर रहना। दे आर एक्सट्रीमली डायनेमिक इन नेचर, और ये बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं। दे आर नॉट ओनली कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, यह बहुत ज्यादा, यह एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं रहते लगातार, बट ऑल्सो चेंजिंग विद इन देमसेल्फ्स, यह स्वयं ही अपने आप को चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। इंड्यूसिंग चेंज इन ईच अदर, दिस इंटरेक्शन एंड चेंज आर बोथ सडन एंड स्लो, और जो ये परिवर्तन होता है, चेंज होता है इन दोनों का, पारस्परिक जो चेंज होता है वो सडन एकदम से भी होता है एंड स्लो बहुत धीरे भी होता है। तो ये हमने आज जो पढ़ा है उसे आप दोबारा रीड करें, समझें। ओके, तो हमने पढ़े हैं आज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के घटक हमने पढ़ा, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, कंपोजिशन और
कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट पर्यावरण की रचना कैसे होती है और इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पर्यावरण के घटकों की पारस्परिक निर्भरता। अब इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं स्फीयर ऑफ एनवायरनमेंट पर्यावरण के क्षेत्र जो है हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा आपके लिए। अब इसके बाद हम बोर्ड पे चलते हैं कि आपके लिए आज क्या है वर्क में। तो हिस्ट्री, हम हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपको वर्क में दे दिया था, आपने किया भी था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे वर्क भी सेंड किया था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो आपको आज वर्क में मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड कॉइंस थ्रो लाइट ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए किंगडम। कॉइंस जो है वो किस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक परिस्थितियों को बताते थे, राज्य की आर्थिक परिस्थितियों को सिक्के किस तरह बताते थे, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपको 3 times करना है। कितने टाइम करना है? 3 times करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, एक्सप्लेन एनी 2 विद एग्जांपल। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं इतिहास में, इतिहास में पुरातात्विक स्रोत क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 विद एग्जांपल, किन्हीं 2 उदाहरण पुरातात्विक सोर्स स्रोत के कोई 2 उदाहरण देना है आपको। आपको ये दोनों क्वेश्चन 3 times करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में मिल जाएगा। देन आप बने रहें, हम रोज कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।